नमस्कार, अर्थ प्रकाश टीवी देखने वालों का मैं शशि चौरसिया स्वागत करती हूं। तो आज मैं पहुंची हूं प्रेस क्लब में चंडीगढ़ के। यहां पे आज हम वार्ता करेंगे जो एमएलए है चरखी दादरी के, सोमवीर सांगवान जी से। तो सर, सबसे पहले तो मैं अर्थ प्रकाश टीवी पे आपका स्वागत करती हूं और नए साल की मुबारक देती हूं। थैंक यू बेटा, और आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। तो सर, जो आपने आज कॉन्फ्रेंस करी है कि किसानों को लेकर, तो सबसे पहले तो मैं आज आपके मुँह से सुनना चाहूँगी, ये तीन कानून जो हैं वो कौन कौन से हैं? तीनों कानून जो चाहे भंडारण का हो, किसान से ज़मीन से संबंधित हो, तीनों कानून किसान के विरोध में है। तीनों कानून सरकार ने तुरंत प्रभाव से वापस लेने चाहिए। इसी के लिए उजागर करने के लिए आज प्रेस करी, तमाम जनता तक ये आवाज़ पहुँचे। ये जो कह रहे हैं कि तीनों कानून फायदे हैं, सिर्फ 100% घाटे का सौदा है, इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकार ने निरस्त करने चाहिए। तो सर, जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं कह रही है कि ये जो कानून बनाए गए हैं, किसानों ने ही बोला था कि जो आड़ती है वो उनको तंग करती है, वो उनसे पैसे ज़्यादा ऐंठती है, तो इनके फेवर में ही ये कानून जो है लागू किए गए। तो इसमें क्या गलतियां दिखती हैं आपके नज़र में कि ये जो है अगेंस्ट बनाया गया है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि ये फेवर में है कानून? किसान करे, हमें नुकसान है। मैंने इसका सारा पढ़ लिया है। इसमें बेटा फायदे का कहीं सौदा है नहीं है, सारा नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। इसमें किसान का नुकसान है और बड़े उद्योगपतियों को छूट है लूट की। वो छूट के कारण उद्योगपतियों ने अपने मनमानी सरकार से कानून बनाया, किसी दबाव में सरकार ने बना दिए। मैं नहीं समझता इसमें किसान का कहीं भला है, सवाए नुकसान। वो नुकसान में जाना चाहूँगी कि क्या नुकसान है। अगर बड़े बड़े स्टोर बनेंगे जो कमेंटमेंट करेंगे किसान की फसल का, लूटने का काम करेंगे, उसकी ज़मीन को हड़प लेंगे, जो कमेंटमेंट होगा पैसा उठा लिया, वापस नहीं होगा तो खुद चले जाएंगे। जहाँ 1955 में एक्ट के तहत ये बंद था, अभी भंडारण नहीं हो सकता, उसकी छूट दे दी। कोई आदमी कितना चीज़ का स्टॉक करे, काली बाजारी होगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो सवाल नुकसान इसमें कुछ नहीं है। तो सर, सरकार ने ये भी चीज़ कही है कि अगर कॉरपोरेट जो है वो मना कहता है कि हम आपके फसल, आपके खेती में काम करना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करेंगे, लेकिन जब किसान अगर मना कर देता है तो वो नहीं कर सकते कार्य, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? लालच दे के फंसा लेते हैं। छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी खा जाएगा। इसलिए किसान की ज़मीन को हड़प के इनके ऊपर अपना व्यापार इधर बढ़ावा देना चाहते हैं। इसमें भी अपने उद्योग धंधा सिस्टम में उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। किसान को तो कम से कम इस देश का निर्माता है, देश का पेट भरने वाला है। 1970 तक आप देखते हैं बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, आज गोदामों के अंदर एक्सेस है। तो इस किसान के कारण तो है, नहीं तो बड़ी 135 करोड़ की आबादी ना भुखमरी हो जाती। दूसरे देशों में नाइजीरिया में पहले तरफ आप देखिए क्या हालत है। तो और MSP रेट को भी सर कहीं ना कहीं बोला गया है कि अगर MSP रेट किसानों को पसंद नहीं आती तो वो चाहे तो बाज़ारों में जाके अपना खुद का जो भी उनका रेट है उस पर भी बेच सकते हैं, लेकिन वो किसान कहीं ना कहीं कि जो MSP रेट है उसके भी खिलाफ जाके, जो उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? MSP ये कहेंगे जारी है, MSP पे खरीदारी क्यों नहीं करते? आज भी कह रहे हैं MSP पर सारा सौदा आज खरीदा जा रहा है। 25 क्विंटल सरसे में खरीदे, आदमी पैदा हुए 50 क्विंटल, 25 कहाँ ले जाएगा? आज भी MSP का सही यूज़ नहीं हो रहा। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी ना, वो लागू होती, उसके बाद समस्या समाधान बढ़ता। MSP जारी रखेंगे, जारी को रखें जो खरीदारी के लिए, अभी खरीदारी करेंगे ये है ज़रूरी। किसी से 5 मन की है, 7 मन की है, 10 मन खरीद लिया, पूरा अनाज कहाँ से खरीद रहे हैं? आज भी 2.5 फसलों पर MSP दे रहे हैं, फसल होता आदमी 100, कहाँ है फायदा किसान का? सवाल नुकसान है कुछ नहीं। तो और सर, आपने जैसे कि कहा कि जो किसानों को उद्योगपति हैं बड़े जो, वो लूट लेंगे, तो वो मैं जानना चाहूँगी वो उद्योगपति आपके देखने में कौन से हैं जो वो लगता है कि वो लूट लेंगे? अब तो बेटा देश में दो ही हैं, अंडानी और अंबानी, और तो कोई उद्योगपति है नहीं। इन्हीं का मामला है सारा, ये कर रहे हैं, एक तरफी नहीं बात है। सरकार को दबाव डाल के अपना मिसयूज कर रहे हैं, फायदे उठा रहे हैं। ठीक है, तो सर आज जो प्रेस वार्ता हुई है उसको लेके मैं जानना चाहूँ कि आपने क्या संदेश दिया है किसान को और क्या बोला है आपने सरकार को? मैंने तो ये संदेश दिया है कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए और किसान भाई से कहा कि अपने संघर्ष का लगातार जारी रखें, हम तन मन धन से पूरी खा पूरा समाज इनके साथ खड़े हैं। ठीक है।
ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि जो एमएलए सोमवीर जी हैं, उन्होंने किसानों के फेवर में जाके उन्होंने बताया कि ये जो कानून है सरकार द्वारा बनाया गया वो गलत है। तो चलिए देखते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है ये कानून। तब तक के लिए आप बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर, मैं शशि चौरसिया और कैमरामैन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।